फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की 15 माह पुरानी सरकार अंततः गिर ही गई। स्पीकर ने भारी मन से 16 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जबकि 6 का इस्तीफा पहले ही स्वीकार किया जा चुका था। इस्तीफे के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार जनता ने बनाई थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले दिन से ही भाजपा ने अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया था। 15 माह के कार्यकाल में जनता ने यह जाना कि सरकार क्या होती है। इस दौरान भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और किसानों व अन्य को जो वादे कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले किए थे उन्हें पूरा करने का काम उनकी सरकार ने किया। कमलनाथ ने दोपहर 1 बजे राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने की भी बात कही। मध्य प्रदेश में 15 साल की भाजपा सरकार के बाद 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ज्योतिराज सिंधिया मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, लेकिन ऐन मौके पर कमलनाथ बाजी मार ले गए थे। ज्योतिराज सिंधिया को संगठन में महत्वपूर्ण पद देकर एडजस्ट करने का काम किया गया, लेकिन वह इससे सहमत न थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सत्ता आते ही उठा पटक व आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला था और कमलनाथ उसे मैनेज भी कर रहे थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा व भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर कमलनाथ सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया। सिंधिया के साथ गए 22 विधायक भी टूटकर भूमिगत हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसने इन 22 विधायकों को बंधक बनाकर रखा हुआ, इसमें खर्च हुए करोड़ों रुपए किसने दिए, यह सवाल भी कांग्रेस ने किया। जाहिर बात है यह आरोप भाजपा पर था। कमलनाथ सत्ता में रहेंगे अथवा नहीं, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकले व कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक का समय कमलनाथ को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह दिया। इससे पहले कमलनाथ बराबर अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगे थे और बराबर उन 16 विधायकों को सामने लाने की मांग कर रहे थे जिन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप भाजपा पर था। आज तेजी से बदले घटनाक्रम में 16 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंप दिए। ऐसा होते ही यह तय हो गया कि बहुमत का आंकड़ा पक्ष में न होने से अब कमलनाथ सरकार गिर जाएगी, और ऐसा हुआ भी। इससे पहले कमलनाथ ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने इस दौरान यह बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार को अस्थिर करने व गिराने का सारा श्रेय उस भाजपा को जाता है जो पहले दिन से ही उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। आइए देखते हैं क्या कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था इन 15 महीनों में, मेरी क्या गलती थी? आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोगों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। कितनी भी साजिश रचते, विकास के पथ पर हम सदैव रहेंगे, चुनौतियों का डटकर हम मुकाबला करेंगे। कर्तव्य के पथ पर ना हम रुकेंगे, ना डिगेंगे, ना झुकेंगे। प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले दिन से कहता रहा कि एक सफल सरकार, एक ऐसी सरकार जो एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने जा रही है। भाजपा सोचती है कि मेरे प्रदेश को हराकर खुद जीत जाएंगे।
ना ये मेरे प्रदेश को हरा सकते हैं, ना मेरे हौसले को, या जितना सदैव मेरे प्रदेश के साथ करेंगे उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होगा। मेरा संकल्प है कि जहां भी रहें, हमारे पास पद हो या नहीं हो, हम प्रदेश के हित, प्रदेश के हमारे नौजवान, प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियां, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहे। मैंने ये तय किया है कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जा 16 को ले गए, किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और परसों आएगा जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा, और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है,